Good morning to you. Good morning, my little students. How are you all? I hope you all good and fine. So, which day is today? इसका means क्या है? आज कौन सा दिन है? आज है, यानी today is Friday. FRIDAY, Friday. Friday को हिंदी में हम क्या कहते हैं? भूल गए आप लोग? याद है क्या कहते हैं? शुक्रवार. वेरी गुड. एंड फ्राइडे को हमारा कौन सा टर्न होता है? इंग्लिश रीडर एंड इंग्लिश राइम. सो फर्स्ट क्लास इज योर इंग्लिश रीडर क्लास. आज आपकी पहली क्लास कौन सी है? इंग्लिश रीडर क्लास. एंड दिस इज योर इंग्लिश रीडर बुक. ये है आपकी इंग्लिश रीडर की बुक. सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम क्या पढ़ रहे हैं इंग्लिश में? अभी हम अल्फ़ाबेट पढ़ रहे हैं ना. अल्फ़ाबेट, स्मॉल लेटर अल्फ़ाबेट. अभी हम कौन सा अल्फ़ाबेट पढ़ रहे हैं? स्मॉल लेटर. इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? कैपिटल लेटर अल्फ़ाबेट. कैपिटल को और क्या कहते हैं हम? मम्मा अल्फ़ाबेट. और स्मॉल लेटर को? बेबी अल्फ़ाबेट. वेरी गुड. सो स्टूडेंट्स, इसमें हमने फोनिंग साउंड भी पढ़ाए आपको ना. लर्न हो रहे हैं? वेरी गुड. सो इट्स रिविजन टाइम. आपका इंग्लिश में हम रिविजन करा रही है ना. अभी तक हमने स्मॉल लेटर में कहाँ से कहाँ तक पढ़ाई करी है? ए टू एन. हमने ए से एन तक का स्मॉल लेटर सीखा है ना. राइट करना एंड रीड करना एंड रिकॉग्नाइज करना. सो अब मैं आपका रिविजन ले रही हूँ ए टू एन का. सो Let us start, my dear students. Take out your English copy. Open new page. So, student, this is your English worksheet. Firstly, write down date, and today date is 30 July 2021. And which day is today? आज कौन सा दिन है? Today is Friday. F R I D A Y. Friday. Fill it missing letters. देखिए यहाँ पे letters लिखे ना A to M. And इसके आगे क्या बना है बेटा? Dash. So, हमें इस डैश में फिल करना है कि इससे आफ्टर कौन सा नंबर आता है. ओके, सो लेट स्टार्ट स्टूडेंट्स. विच अल्फाबेट इज दिस? ए. इसे आफ्टर बी. स्टैंडिंग लाइन है स्मॉल सर्कल बी. विच अल्फाबेट इज? सी. बी से आफ्टर सी. And C से after. Which alphabet is this? D. And B का face C के side है. Okay? And D का face C के इस side है. यानी ऐसे B और ये C का ये side. Okay? E. And E से after. Which alphabet? F. F से after G. G से after H. H से after I. I से after J. J से after K. K से after L. L से after M. And then M से after N. Very good students. So A for apple. और A से क्या होता है? A for aunt. B for ball.
for dog, D for doll, E for elephant, E for egg, F for fish, F for fan, G for goat, G for gun, H for ham, H for head, I for ice cream, I for ink, J for joker, J for jug, K for kite, K for king, L for lion, L for lamb, M for mango, M for man, N for nose, N for nest. Very good students. And repeat with me. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. A sound, A. B sound, ba. C sound, sa. Repeat with me. D sound, D sound, da. E sound, e. F sound, fa. G sound, ga. S sound, ha. I sound. I sound, e. J sound, ja. K sound, ka. L sound, la. M sound, ma. N sound, na. Very good student. So students, मैम ने जैसे phonic sound learn कराए हैं, and alphabet write करना सिखाया है. आपको इसे अच्छे से learn करना है, and write करना है. This is your homework. ये है आपका homework. कि आपको अपनी इंग्लिश कॉपी में इसे डर्न करना है, यानी इस वर्क को करना है और इसे लर्न भी करना है. एन बीटा फोनिक साउंड, इसे तो बिल्कुल अच्छे से आपको रट लेना है. जैसे मैम ने भी सिखाया है ना, ऐसे ही आपको भी याद करना है और याद करके मैम को सुनाना है. ओके, सेकेंडली टेक आउट योर इंग्लिश राइटिंग बुक. दिस इज योर इंग्लिश राइटिंग बुक. ओपन पेज नंबर 32. ये वाला वर्क मैम ने आपको होमवर्क दिया था ना, पेज नंबर 31. लोगों ने कंप्लीट कर लिया. वेरी गुड. आज हम न्यू पेज में वर्क करेंगे, पेज नंबर 32. फर्स्टली राइट डाउन. सबसे पहले क्या लिखते हैं अपनी कॉपी या बुक में, हम कुछ भी करने से पहले, डेट. आप बेटा कभी डेट लिखना ना भूलिएगा. वर्क स्टार्ट करने से पहले हम डेट राइट करते हैं. डी ए टी ई, डेट. एंड टुडे डेट इज 30 July 2021. आइडेंटिफाई द पिक्चर्स एंड सर्कल्स द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच पिक्चर. फर्स्ट वन इज डन फॉर यू. यहाँ पर देखिए कुछ पिक्चर्स बनी है ना, बहुत सारी पिक्चर्स हैं और यहाँ पे कुछ लेटर्स भी राइट हैं पिक्चर्स के नीचे साइड पे ना. सो हमें क्या करना है इसमें बेटा, हमें इस पिक्चर को देखना है और समझना है ये कौन सी पिक्चर है और फिर इस पे सर्कल करना है जिस अल्फाबेट यानी जिस लेटर से ये पिक्चर स्टार्ट होती है. फर्स्ट पिक्चर कौन सी पिक्चर है, हाउस की. इट्स हाउस एंड हाउस स्टार्टेड H. H फॉर हाउस. सो हम H पे क्या करेंगे, सर्कल लाइक दिस. इस टाइप से हमें सर्कल बनाना. ओके, नेक्स्ट पिक्चर. नेक्स्ट पिक्चर इज जेली. ये तो जेली है ना, जेली स्टार्टेड J. J से जेली स्टार्ट होती है. सो हम J पे क्या करेंगे, सर्कल. वेरी गुड. नेक्स्ट पिक्चर इज ग्रेप्स. ग्रेप्स की पिक्चर एंड ग्रेप्स स्टार्टेड G. एंड वेयर इज G, सर्चिट. वेयर इज G,
हरी अप. यस दिस इज जी. जी फॉर ग्रेप्स. ग्रेप्स मींस अंगूर. नेक्स्ट पिक्चर इज आइसक्रीम. ये क्या है? आइसक्रीम. आइसक्रीम स्टार्टेड आई. आई से आइसक्रीम. एंड वेयर इज आई? हरी अप सर्च इट. वेयर इज आई? वेयर इज आई? आई नो. यस दिस इज आई. आई फॉर आइसक्रीम. वेरी गुड स्टूडेंट. सो अब इसके आगे का आपको अपने आप डन करना है वर्क. ओके दिस इज योर होमवर्क. मैंने जैसे बताया है ना कि हमें पिक्चर्स पे रिसर्च करनी है, फिर वो जिस लेटर से स्टार्ट होती है उस पर हमें क्या करना है? सर्कल करना है. सो बाकी आप अपने आप करेंगे. विच पिक्चर इज दिस? लॉयन. एंड लॉयन स्टार्टेड एल. सो हम यहाँ पर एल पे सर्कल करेंगे. नेक्स्ट विच इज डॉग. डी फॉर डॉग. वेरी गुड. विच पिक्चर इज दिस? काइट. काइट स्टार्टेड के. विच पिक्चर इज दिस? बुक. बुक स्टार्टेड बी. And which picture is this? Face. Face started F. F for face. Very good student. So this is your homework. आपको English writing book में page number 32 complete करना है. Okay? And worksheet copy में आपको ये work complete करना है. आपको आज मैम ने 2 homework दिए हैं. And done भी करना है. Okay?